हेलो गाइस, तो चलिए आज आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो टॉपिक है, कुछ आप लोगों को पता ही है ये चीज़ आया है, मतलब कुछ फेवर का स्पेयर आया होगा। तो चलिए आज क्या चीज़ आया है आप लोगों को लाइव खोल के दिखाते हैं, और इसका स्पेयर पार्ट्स का दाम कितना है वो भी बताएंगे, और कौन सा स्पेयर पार्ट्स है आप लोगों के सामने लाइव खोल के दिखा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार का कोई भी स्पेयर पार्ट्स जब भी आता है हम आपको खोल के दिखाते हैं, और उसका प्राइस भी बताते हैं। चिमनी और कुकर पिज्जा किसी का भी पार्ट्स आता ही रहता है। ठीक है, इस चैनल में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो दिया गया है। तो चलिए आज क्या चीज़ आया है दिखाते हैं। अच्छा, आज आया है गैस वाल्व। ठीक है, गैस वाल्व, दो गैस वाल्व आया है। तो ये जो है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये दोनों गैस वाल्व है। ये ऊपर का जो नॉब है, नॉब इसमें घुसता है, जब आप नॉब को प्रेस करते हैं तो इसमें से ही जो गैस का फ्लो वो यूज़ होता है। आप जब इसको घुमाते हैं इस प्रकार से, नॉब को इस प्रकार से जब घुमाते हैं तो गैस फ्लो कितना कम होगा ज़्यादा होगा, वही गैस वाल्व। इसी का वारंटी रहता है फेवर में, 5 साल का 3 साल का 2 साल का वारंटी इसमें दिया जाता है। हम सभी कुकटॉप या जितना भी हॉब या कुकटॉप होगा, सभी में कुछ ना कुछ का वही वाल्व का वारंटी रहता है बहुत सारा मॉडल में। ठीक है, तो एक अलग अलग यहाँ पर देखिए इसका मॉडल वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग मॉडल का अलग अलग वाल्व रहता है, उसका साइज भी अलग अलग रहता है। तो आप इसका जो प्राइस वगैरह है हम आपको बता देते हैं, ये दोनों का कितना प्राइस है और कौन सा मॉडल का वो भी बता देते हैं आप लोगों को। ये जो मॉडल का है, मॉडल नेम आप लोग जान लीजिए। मॉडल नेम है फेबर गैस ऑफ FH40AMD। चार बार ना का हो गए। ठीक है, और उसका ही एक मॉडल है। तो दोनों का दो अलग अलग साइज है, दोनों साइज का हम बता देते हैं। तो 520 रुपया करके प्राइस है दोनों का। इस मतलब इस मॉडल का आप अगर लेंगे तो दोनों आपको, मतलब चारों आपको जो वाल्व मिलेगा, 520 रुपया करके चार्जेस इसमें आपको लगेगा। और साइजेस जो दिया गया है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि कोई कहाँ कहीं पर भी साइज वगैरह लिखा हुआ है कि नहीं। नहीं, कहीं पर भी इसका जो साइज है वो नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ लेटर दिया गया है, यहाँ पर बी दिया गया है, यहाँ पर शायद ओ या एन हो सकता है, ये दिया गया है। ठीक है, तो यही आपको देख के समझना होगा कि जो लेटर है ये कौन सा इसका होगा साइज का, मतलब बड़ा वाला बर्नर का है, छोटा वाला बर्नर का है, वो आपको देख के समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर तो कोई और चीज़ लिखा हुआ नहीं है जिससे देख के आपको समझ में आए, या फिर जैसे कि यहाँ पर नंबर दिया रहता है 29, जो कि छोटा वाला जो बर्नर है 29 का होता है। 34 साइज जो होता है वो आपका मीडियम जो साइज का बर्नर का है उसका होता है, और सबसे बड़ा वाल्व नंबर 60, कॉर्पोरेसी वाल्व नंबर 60, वो सबसे बड़ा वाला साइज का होता है। तो इसमें यहाँ पर कुछ 60-34 जो लिखा हुआ है, जब पार्ट्स ऑर्डर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डिटेल्स दिया हुआ नहीं है जिसमें आपको पता चले कि ये कौन सा बर्नर के लिए है, तो आपको लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ आया है देखिए, उसका यहाँ पर लिखा गया है SP हॉब गैस टैप वाल्व नंबर 62 कॉर्पोरेसी, SP हॉब कॉर्पोरेसी वाल्व नंबर 34-2। तो ये दोनों साइज का जो वाल्व आया है, तो इस प्रकार से आप इसको जो स्पीस का जो स्पेयर नेम है, ये वाला, ये दोनों स्पेयर नेम है इस प्रकार, और इसका कोड है, इस कोड से आप इसको जब ऑर्डर करेंगे तो कोड से आप इसको खोज सकते हैं, या फिर आपको अगर यही वाला साइज का वाल्व चाहिए होगा तो ये कोड याद रखिएगा, ये कोड बताएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, जब भी आप इसको लगाएंगे तो देखना पड़ेगा, वहीं पर आपको पता चलेगा कि ये मीडियम बर्नर के लिए है या छोटा वाला या फिर बड़ा बर्नर के लिए है। ठीक है, प्राइस भी आपको पता चल गया है। और इसका देखिए, वाल्व एक बार ख़राब हो जाता है इसको रिपेयरिंग करने का कोई ही नहीं है, तो कोई कंपनी, इसीलिए इसका वारंटी दिया गया है। ख़राब होता है तो उसको वारंटी में चेंज कर दिया जाता है, गैस लीकेज वगैरह, यहीं से गैस लीकेज वगैरह होता है ज़्यादातर, तो इसी का वारंटी दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल्स में पता चल गया। इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे भी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, फिर आगे भी इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड नाइट।